तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खबरों के साप्ताहिक डोज के बारे में। आज के इस बुलेटिन में बात होगी उन खबरों की जो हफ्ते भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई, वो छोटी बड़ी खबरें जो खबरों की भीड़ में कहीं गुम गई, साथ ही उन खबरों की भी बात होगी जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो आज के इस खास एपिसोड में बात होगी इन खबरों की, अटल टनल की सौगात की बात होगी जो पूरे देश को मिली, जिस पर लोगों ने खुशी भी व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि अटल टनल किस मायने में लोगों के लिए एक बड़ी सौगात रहेगा। बाबरी पर सभी बरी हो गए, बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपी जो थे उनको बरी कर दिया गया। अब हाथरस कांड की बता दें, सीबीआई जाँच होगी जिसके आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं, जिसमें अब लोगों की जो न्याय मिलने की गुहार थी उसे सुन लिया गया। वहीं लापरवाह अफसरों पर हाथरस के पूरे मामले में गाज भी गिरी, मुख्यमंत्री लगातार पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एक्शन मोड में हैं। और बात करेंगे श्री कृष्ण विराजमान की याचिका खारिज हो गई है, इसके बारे में भी। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से याचिका खारिज की गई, डाली गई थी कोर्ट में, जो खारिज हो गई। बिहार में किसकी सरकार होगी, बात इसकी भी होगी क्योंकि बिहार चुनाव सर पर हैं और ऐसे में अब बिहार में किसकी सुगबुगाहट ज़्यादा सुनने को मिल रही है, इस पर बातचीत होगी। योगी का ऑपरेशन दुराचारी के बारे में भी बात होगी, जिसके बारे में कहा गया कि इससे महिला अपराध रुकेगा और जो दुराचारी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं कोरोना के 1,00,000 मरीज की मौत हो चुकी है भारत देश में, इस पर भी चर्चा करेंगे जो चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप और बाइडेन भिड़ गए, इस पर भी चर्चा होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देंगे। और आखिर में बात करेंगे आईपीएल में टॉप पर दिल्ली कैपिटल्स है उसके बारे में। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल की शुरुआत कर दी है और अब से टनल आम लोगों की आवाजाही के लिए खुल जाएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई में बनी यह सुरंग लेह को मनाली से जोड़ती है। यह सुरंग भारत और चीन की सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए रणनीति रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने हिमाचल में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो अक्सर यहाँ आया करते थे। मोदी ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा, इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि वाजपेयी सरकार जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा, साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को कोई भूल ही गया था। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर का काम ही हो पाया था। एक्सपर्ट्स बताते हैं, जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता है तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर पूरी होती। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार की उपेक्षा के बावजूद उनकी सरकार ने तेजी दिखाई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 28 साल बाद बाबरी मस्जिद में फैसला आया, कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला आते ही सीबीआई के विशेष कोर्ट में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। वहां मौजूद सभी आरोपियों और उनके वकीलों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ। जज ने कहा कि फोटो वीडियो के साक्ष्य मान्य नहीं है। सभी ने कहा, राम का काम पहले ही हो गया, अब कोई फिक्र नहीं, जो सच था वो सामने आया। 6 दिसंबर 1992 को आवेशित कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया था और इस मामले में उसी दिन शाम को राम जन्मभूमि थाने में 2 अलग-अलग FIR दर्ज कराई गई थी। इन FIR में लाखों कार सेवकों के अलावा अडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अडवाणी ने 1990 में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अडवाणी को बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार करवा लिया था। जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया था, तब अडवाणी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि यह बड़ी बात है कि ईश्वर ने उन्हें इस आंदोलन से जुड़ने का मौका दिया। अडवाणी ही वे शख्स थे जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने 1992 के बाद से लगातार बढ़त बनाई। पार्टी ने केंद्र में दिवंगत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई और अडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिसिया रवैये को लेकर लगातार आलोचनाओं में घिरी योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबर की पुष्टि की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच की कोई मांग नहीं रखी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी और इस दौरान पीड़िता के परिजन ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। इसके कुछ ही देर बाद सीएम ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए। पीड़िता के भाई ने कहा कि वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की जाँच की जाए। उन्होंने डीएम हाथरस को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने राहुल से भी मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द हटवाया जाए। पीड़िता के भाई ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं और वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने पीड़िता के परिवार को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। पीड़िता के भाई ने कहा कि वो केवल जांच से संतुष्ट नहीं है, वो जानना चाहता है कि जिसकी बॉडी जलाई गई थी वो बॉडी उसकी बहन की थी या किसी और की थी। अगर वो उसकी बहन का शव था तो उसे इस तरीके से क्यों जलाया गया? डीएम ने उनके साथ बदसलूकी क्यों की? ये तमाम सवाल पीड़ित परिवार की तरफ से खड़े किए गए। वहीं हाथरस मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत कई और लोगों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, मामले में वादी प्रतिवादी और पुलिस प्रशासन का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, तत्कालीन सीओ राम शब्द, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह और हेड मोहरीर महेश पाल को निलंबित किया गया। शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस का नया एसपी बनाया गया। आईपीएस नित्यानंद राय को शामली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इससे पहले वो अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर रायबरेली में तैनात थे। योगी आदित्यनाथ हाथरस मामले की जांच के लिए पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं। एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं और इसके पहले उन्होंने पीड़िता के पिता को वीडियो कॉलिंग कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया था। सीएम ने पीड़िता के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस वालों और पीड़ित परिवार का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। सीएम योगी ने अब पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद, सरकारी घर और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो मथुरा से उठी। कान्हा की नगरी मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन को श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने के लिए दायर वाद बुधवार को मथुरा कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के लिए वादी पक्ष के विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में पहुंचकर अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने पक्ष की पूरी बात सुनी और सुनवाई पूरी होने के बाद अपने फैसले में वाद को खारिज कर दिया। अब याचिका पक्ष उच्च न्यायालय में मामले को लेकर जाएगा और इससे पहले मथुरा के सिविल कोर्ट में ये वाद लिस्टेड होगा। कोर्ट को यह तय करना था कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं, लेकिन सुनवाई को 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ के स्वामित्व और शाही ईदगाह के निर्माण पर सवाल उठाए गए, लेकिन इससे पहले हिंदूवादी संगठन और साधु संतों ने भी इस मामले को वृहद आंदोलन में तब्दील करने और मथुरा के साथ काशी को भी मालिकाना हक देने की मांग कर दी। इस संबंध में काशी विद्युत परिषद के
पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी नागेंद्र महाराज के यहाँ एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें महामंडलेश्वर व धर्मगुरुओं ने भाग लिया और सभी ने एक मत से सामाजिक सहमति व राम जन्मभूमि आंदोलन को आधार मानते हुए मामले का पटाक्षेप करने और इस मामले को राजनीति मुद्दा न बनाने की मांग की। महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने तो साफ कहा कि मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाते हुए खुद ही पहल करनी चाहिए और मस्जिद का कब्जा मंदिर को दे देना चाहिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हफ्ते की और पांच बड़े खबरों के बारे में। मंजिलें हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार चुनाव और यूपी एमपी में उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव और यूपी एमपी के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी पार्टियों ने कमर कस ली और विपक्ष ऐसे मौके पर कोई भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहता, फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, हाथरस कांड हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो। विपक्ष ने सरकार की सड़क से ही घेराबंदी शुरू कर दी। हाथरस कांड पर तो पूरा विपक्ष अड़ गया। राहुल प्रियंका तो दिल्ली से हाथरस के लिए काफिले के लिए निकले, लेकिन एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिए गए। फिर राहुल प्रियंका ने पैदल ही हाथरस के लिए कदम बढ़ाए, जो जनता ये जानते हुए भी कि ये नामुमकिन है। और इस दौरान राहुल गांधी से पुलिसकर्मियों की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो क्या ये कांग्रेस का सियासी ड्रामा था? वहीं सपा भी सड़क पर योगी सरकार के खिलाफ उतर आई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बजाय उग्र प्रदर्शन पर आमादा थी, और बिहार के नेताओं ने डेरा डाल दिया, वो भी पूरे मामले का सच जाने बिना। हाथरस कांड में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को दोनों हाथों से लपक लिया। वहीं अगर बात बिहार की सियासत की जाए तो एनडीए के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा मुसीबत बनी हुई है। सीटों पर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और बागपत के भी सुर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश के बीच जुबानी जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में अगर बात नहीं बनी तो लोजपा एनडीए का साथ छोड़ सकती है, वहीं बिहार का महागठबंधन में मुश्किल पड़ सकती है। मांझी ने पहले ही दूरी बना ली है और अब उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। वहीं आरएडी और कांग्रेस के बीच भी सीटों पर बात अटकी हुई है। वहीं यूपी की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। अगली अपडेट आपको बता दें, यूपी में जो कभी नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम जारी है और एक एक कर माफियों की हर अवैध संपत्ति का नेस्तनाबूत किया जा रहा है। यही नहीं, माफियों के गुर्गों की अवैध संपत्ति भी प्रशासन की रडार पर है, और इसी कड़ी में प्रयागराज, अम्बेडकर नगर और बागपत में प्रशासन का बुलडोजर चला और करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। प्रयागराज में अब तक दर्जनों अवैध संपत्ति ढहाई गई। वहीं बागपत में जेल में बंद सुनील राठी के करोड़ों के मकान को भी कुर्क कर दिया गया। योगी सरकार ने पहले ही फरमान सुनाया था, जिन माफियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया उनकी वसूली उन्हीं से की जाएगी। योगी के ऑपरेशन माफिया के खौफ इतना है कि संभल में खुद ही एक गैंगस्टर ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, वो भी इस खौफ में कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन दुराचारी के तहत एक नया फरमान भी जारी किया गया, जिसमें महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले दुराचारियों के पोस्टर अब चौराहे पर लगेंगे और मददगारों के नाम भी सार्वजनिक होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में अपराध थमता नजर नहीं आ रहा। हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन के ही आला अफसरों के नए कारनामे सामने आ रहे हैं।
कहीं पुलिस ही अपराध में लिप्त है तो कहीं प्रतापगढ़ में एसडीएम ही डीएम के विरोध में धरने पर बैठ जाते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार देश में पहुंच चुकी है। पहली मौत से लेकर अब तक 200 दिनों में मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। मौजूदा समय में देश के 734 जिलों में से 717 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना से कम मौत हुई, जबकि 40 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जहां 40% से ज्यादा मौतें हुई। अमरीका और ब्राजील के बाद केवल भारत ही है जहां इतनी संख्या में कोरोना वायरस से मौतें हुई। देश का दक्षिणी हिस्सा बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। देश में हुई कुल मौतों में से 37% मौतें अकेले महाराष्ट्र राज्य में हुई। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा तुलनात्मक तौर पर कम है। हाल में आंकड़ों में आए उछाल के बाद बिहार में कुल 910 और उत्तर प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 5,917 हो गया। देश के 734 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जो देश में कुल मौतों में से 45% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इन 20 जिलों में से 13 जिले अकेले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं मुंबई में होने वाली 10 मौतों में से एक मौत कोरोना वायरस के मरीज की होती है। कोविड-19 का असर सबसे पहले महानगरों में देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब इस वायरस का कहर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। देश में 584 जिले जो ज्यादातर ग्रामीण या पूरे तरह से ग्रामीण घोषित किए गए, वहाँ कोरोना वायरस से कुल 49% मामले हैं और 38% मौतें हुई हैं। वहीं देश के पूर्ण तरीके से शहरी और ज्यादातर शहरी इलाकों में कोरोना के 36% मामले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 47% हो गया है। बात करते हैं अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राजनीतिक सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच पहली आधिकारिक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन दोनों ही ने एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से कहा कि आप नहीं चाहते थे कि कोरोना वायरस को देखते हुए चीन के लिए हमें अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आप समझते थे कि ये भयानक है। इस पर बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में लोग मारे गए और अगर तेजी से कदम नहीं उठाए गए तो और भी लोग मरेंगे। जो बाइडेन ने ट्रंप से कहा कि आप अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति हुए हैं। बहस के दौरान ट्रंप ने इनकम टैक्स को लेकर सवाल दागे। इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने करोड़ों डॉलर टैक्स दिया है, जब मैं इसे फाइल करूंगा तब आप इसे देख लेंगे। ट्रंप ने रैलियों में भीड़ जुटाने पर सफाई दी और कहा कि लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे। बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन आपस में कोरोना वायरस को लेकर भिड़ गए। ट्रंप ने कहा कि आप नहीं जानते हैं कि भारत, चीन और रूस में कितने लोग मारे गए हैं। भारत, चीन और रूस ने मृतकों की सही संख्या नहीं दी है। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट शुरू होने पर दोनों ने कोरोना को देखते हुए एक दूसरे पर हाथ भी मिलाया। अगली और आखिरी खबर आपको बता दें आईपीएल के बारे में। आईपीएल के 13वें सीजन के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। शारजाह में खेले गए मैच में दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीजन का सबसे बड़ा 229 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में केकेआर 8 विकेट गंवाकर 210 रन ही बना सकी। केकेआर की ये दूसरी हार है। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया। 88 रन की पारी खेलने वाले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच चुने गए। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 58, योन मोगन ने 44, राहुल त्रिपाठी ने 36, शुभम गिल ने 28 रन की पारी खेली। मोगन और त्रिपाठी ने 7वें विकेट के लिए 31 बॉल पर 78 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। वहीं दिल्ली की ओर से एंड्रिच ने 3 और हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए। हर्षल का इस सीजन में यह पहला मैच है। दिल्ली में 4 विकेट पर 228 रन बने और टीम के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 88, पृथ्वी शॉ ने 66, ऋषभ पंत ने 38 रन की पारी खेली। आईपीएल में पृथ्वी ने 6वीं और श्रेयस ने 14वीं 50 लगाई। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 73 रन की पार्टनरशिप हुई। कोलकाता के लिए एंड्रयू रसल ने 2 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नगरकोटी को 1-1 विकेट मिला। से पहले पृथ्वी और शिखर धवन के बीच 56 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। दिल्ली ने सीजन में पावर प्ले में 5वां सबसे बड़ा स्कोर 1 विकेट खोकर 57 रन बनाए। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ सबसे ज़्यादा 69 रन और फिर उसी मैच में पंजाब ने राजस्थान के खिलाफ 60 रन बनाए थे। इसी जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल की पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंची।
खबरों के साप्ताहिक डोज में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।